22 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई पंकज कपूर, शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर स्टारर मूवी जर्सी ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है। रिलीज डेट है 20 मई यानी कि 20 मई 2022। नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। जर्सी मूवी का बजट था, मैं बताता हूँ, 35 से 36 करोड़। फर्स्ट डे में मूवी ने क्रॉस किए 4 करोड़ और शाहिद भाई अच्छी बैटिंग करते हुए 27 करोड़ पे आउट हो गए। यार मूवी की कमाई से आप अंदाजा थोड़ी ना लगा सकते हैं कि मूवी फ्लॉप है या हिट है, और भी कई चीजें होती है। और मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, हाँ इसके लिए बने रहो चैनल पे। और वैसे भी बीसी के रिव्यूज पे हम आपको बोलते हैं मूवी कैसी भी हो एक बार जरूर देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं वापस आता हूँ 10 सेकंड में। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, आप सभी को पीसी का प्रणाम। कुछ मूवी बनती है मास के लिए, कुछ मूवी बनती है क्लास के लिए, है? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मूवी बनती है दर्शकों के लिए, मूवी बनती है फैमिली वैल्यूज के लिए, मूवी बनती है एक्टिंग के लिए, और मूवी बनती है रियल वर्सेस रियल लाइफ को दर्शाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए अगर हम मूवियां देखने लगेंगे तो हम बहुत सी अच्छी मूवीज को रिजेक्ट कर देते हैं। 100 करोड़ कमा लिए, 1200 करोड़ कमा लिए, क्या भाई? मूवी में एक एक्टर की मेहनत होती है, एक स्टोरी स्क्रीन प्ले होता है, एक डायरेक्टर का काम होता है। तो सिर्फ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ना जाएं, अपने विवेक से काम लें। किसकी कॉपी, कैसी कॉपी, काय की कॉपी, छोड़ो यार। स्टार कास्ट पे भी थोड़ा ध्यान दो। 2 घंटे 50 मिनट की ये मूवी, आप हजम कर पाएंगे या नहीं ये बताना मेरा काम है। उसे देखना है कि नहीं ये आपका काम है, सबके अलग अलग परसेप्शन। तो दोस्तों आइए पहले बात कर लेते हैं जर्सी मूवी की स्टार कास्ट की। मित्रगणों, लीड कैरेक्टर में नजर आएंगे आपको शाहिद कपूर एज अर्जुन तलवार द क्रिकेटर, और उनके अपोजिट है मृणाल ठाकुर एज विद्या राव तलवार, उनकी वाइफ। शाहिद भैया के पप्पा यानी कि पंकज कपूर कोच बने हैं मूवी में, और कैरेक्टर का नाम है बाली। गीतिका जी ने कैरेक्टर निभाया है जर्नलिस्ट का, जो की है जसलीन शेरगिल। ये मैडम शाहिद कपूर के साथ दूसरी मूवी कर रही है बैक टू बैक आफ्टर कबीर सिंह। कंफ्यूज हो गए कि कबीर सिंह में कहां थी, रुको मैं दिखाता हूं कबीर सिंह में कहां थी। ये देखो, ये रही है मैडम श्रुति मैडम। तो मूवी की स्टोरी की बात करें तो वो कुछ ऐसी है कि अपने शाहिद भाई उर्फ अर्जुन तलवार जिन्होंने लीड रोल किया है, वो एक क्रिकेटर हैं जो कि पोस्टर में आप साफ देख सकते हैं। क्रिकेट उनके लिए उनकी जिंदगी है, लेकिन उसे अर्ली एजेस में वो छोड़ देते हैं और शादी कर लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि मृणाल ठाकुर उर्फ विद्या राव तलवार से, और उनके एक बेटा भी होता है। अब यहाँ पे एक ग्लिच है, एक ट्विस्ट है कि अर्ली एजेस में उन्होंने क्रिकेट क्यों छोड़ा। तो ये मूवी के एंड में मैं रिवील नहीं कर रहा। अगर आपने मूवी देख ली है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अब बात करते हैं किसकी कॉपी, कैसी कॉपी, कहां की कॉपी। यार एक कंपैरिजन दूंगा, मुझे बताना कि मूवी कॉपी है या नहीं। 2019 में आई नैनी स्टारर तेलुगु मूवी जर्सी। नैनी यार तेलुगु के बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और भी मूवी देखी है मैंने उनकी। मूवी का बजट था 25 करोड़, मूवी ने कमाए 52 करोड़ 2552। उल्टा सही हो गया ये तो, मतलब बनाने ज्यादा कमा के ले गए। अपनी मूवी का बजट था 36 करोड़, मूवी ने कमाए 27 करोड़। कॉपी है, लग रहा है कहीं कॉपी है। 2019 की तेलुगु फिल्म जर्सी को डायरेक्ट करने वाले सर गौतम तिनानुरी, 2022 में जर्सी हिंदी में आई उसे भी डायरेक्ट करने वाले गौतम तिनानुरी, इन्होंने उसको रीडायरेक्ट किया। सर कैसा लग रहा है दो दो फ्लॉप मूवी देखे? और अगर मूवी के कैरेक्टर्स की बात करें तो मूवी में श्रद्धा श्रीनाथ बनी थी सारा और अपने नैनी बने थे अर्जुन। चौंकाने वाली बात तो ये है कि हेयर स्टाइल दोनों की सेम रखी है भैया डायरेक्टर ने। अपने कटप्पा सत्यराज बने हैं कोच मूर्ति, ये लो भैया नाम भी चेंज है, और कैसे कह सकते हो आप लोग कि मूवी कॉपी है। और यहाँ कैरेक्टर निभाया है जर्नलिस्ट राम्या का सनुषा ने। अब बताओ कैरेक्टर्स के नाम बिल्कुल अलग, मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलग, मूवी की लैंग्वेज अलग, कहां से कॉपी है? लेकिन मैंने फ्लॉप बोला तो आपने पकड़ लिया, फ्लॉप नहीं है यार, मूवी को केजीएफ खा गई भाई। जब केजीएफ 1 को देखने के बाद हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया था कि हमें केजीएफ 2 भी देखनी है, तो उसके आसपास कोई सी भी मूवी लगा दो आप, उसको फ्लॉप होना ही होना है। जर्सी को तो हम भूल ही गए। मूवी सिर्फ एक्शन, गोलियों की भरमार या सिगरेट चलाने और ये करने से हिट नहीं होती है, मूवी में इमोशंस भी होते हैं। जहां KGF 2 दमदार डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रिलीज हुई, वहीं जर्सी में एक फादर और एक सन के रिलेशन को दिखाया गया। फादर और एक सन के रिलेशन के बीच में जो रिस्पेक्ट है
उसे बखूबी दर्शाया गया है। एक वाइफ का अपने हस्बैंड के लिए जो चिंता है उसे दिखाया गया है। एक कोच का अपने प्लेयर के लिए जो कि वो मानता है कि उसने ऐसा प्लेयर कभी नहीं देखा और जिसने अर्ली एजेस में क्रिकेट छोड़ दिया, उस रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को दिखाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज, एक प्लेयर द क्रिकेटर अर्जुन तलवार शाहिद भाई, उनके गेम डेडिकेशन को दिखाया गया। ओह माय गॉड, इतने इमोशंस थे, दिस मेड मी फॉल इनटू टीयर्स। आंखों में आंसू आ गए थे, बाय गॉड, सच बोल रहा हूं। मूवी का इमोशनल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, मूवी की स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, मूवी के सॉन्ग्स और भी अच्छे हैं, और शाहिद भाई, उनकी एक्टिंग का क्या कहना, उन्हें तो हम कबीर सिंह से जानते ही हैं। तो 2 घंटे 50 मिनट की ये मूवी, चर्जी मूवी, मुझे तो बहुत पसंद आई यार। ये थी रील वर्सेस रियल लाइफ मूवी, क्योंकि हर बार मैं ये या फिर ये नहीं देख सकता। तो मित्रगणों, एक ही बात कहूंगा, जल्दी मूवी को जब भी बैठेंगे देखेंगे आप, तो अपने सारे इमोशंस एक जगह कलेक्ट कर लो। और जैसे कि बीसी के रिव्यूज पे हम लोग बोलते हैं, कोई भी मूवी वेब सीरीज एक बार जरूर देखें, बाकी अपना अपना परसेप्शन। अगर आपने मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे रिव्यूज कैसे लगे ये भी कमेंट करके बताएं। और फिलहाल बीसी के रिव्यूज पे इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा आपको किसी मूवी, वेब सीरीज या ट्रेलर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।